ये सोचोगे कि अच्छा नरम बिस्तर भी मिल जाए और रजाई भी मिल जाए और बस टीचर भी मिल जाए तो ऐसी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ये पोकेमोन की दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत की दुनिया में आओ और यहाँ बैठो 12-12 घंटे, तो पता चलेगा आपकी जाने के पैरों में कितनी चुभन होती है, जाने के बाद पता चलेगा कि पीठ में क्या होता है। ये बताओ क्या बहुत बुरी तरीके से रह रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, खाने को नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर, हर चीज की सुविधा उपलब्ध है और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है यहाँ पे। आप अगर नहीं सच में मतलब क्या चाहिए? पढ़िया चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए नहीं, या मसाज चाहिए? पैसा वही वसूल कर। यहाँ पर एक अच्छा गुरु चाहिए, टैलेंटेड एक्सपीरियंस होल्डर जो उनका तजुर्बा एक नंबर हो, वो चाहिए। तो उसकी किस्मत कैसी होगी बताओ? वही उसकी किस्मत खराब है, इंस्टीट्यूट में घूम रहा होगा ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो जिसका किस्मत अच्छा है वही एसी टेलीकॉम आता है और वही एसी टेलीकॉम ज्वाइन कर सकता है, बाकी कोई नहीं। मैं सर अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ कि मैंने एसी टेलीकॉम ज्वाइन किया, और जो अभी सोच रहे हैं कि ज्वाइन करूँ कि ना करूँ वो तुरंत आ जाओ, अगर किस्मत अच्छा है तो मिल जाएगा, तो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता देव सर जैसा गुरु। आपका आपका शॉप है? हाँ सर। हमारा यूट्यूब फैमिली कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है देवतन अग्रवाल और मेरे साथ है 28 जुलाई बैच हार्डवेयर सेक्शन। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई क्लास के। और मेरे साथ में एक पर्सन मिसिंग है, जैसे 1.8 वोल्टेज मिसिंग हो जाता है और वो है उसके बिना सेट चालू नहीं होता है, और वो L5 की सप्लाई है। किसकी सप्लाई है? L5 सप्लाई कब बनेगी जल्दी बताओ? जब मिलन सर आ जाएंगे। वेरी गुड, तो बेसिकली LDO से बनेगी। किससे बनेगी? यही समझाए ना आज यहाँ पर L5 हमारे, तो मिलन सर के लिए। तो मिलन सर जब भी आएंगे, एक बार मिलन सर के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा दीपक सर से, मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे दुर्गेश सर से, और मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा मोहम्मद सर के। ये कोहिनूर है हमारा और उसको देखने के लिए टिकट लगती है, तो बेसिकली इनकी आवाज़ सुनिएगा खाली। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई, अभी हमारा हो गया है आज 12 तारीख, आई थिंक 12 तारीख हो गया है, और हमने हार्डवेयर में कॉम्पोनेंट से लेकर आज डेस्क एक्सेट्रा इनको पढ़ाया है, जिनके आज प्रैक्टिकल बाकी है। चलो आप देखो, जो होता है जैसे स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टूडेंट एक सपना लेके आते हैं। कैसा सपना? सपना की हकीकत बदलने का, सर मैं जो सीखने जा रहा हूँ वो सीखूंगा कि नहीं। सपना ये सोचकर कि मैं ICU पे काम नहीं करता, क्योंकि ICU पे काम करने लगूंगा। सपना ये सोचकर क्या मैं लाइनों को नहीं समझ पा रहा, तो क्या लाइनों को समझ पाऊंगा। सपना ये सोच के क्या मैं डायग्राम खोल के ICU के अंदर पैड लाइन को समझना चाहता हूँ, क्या वो समझूंगा। क्या मैं वोल्टेज पे काम कर पाऊंगा, क्या मैं GR पे काम कर पाऊंगा, क्या मैं किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर पे काम कर पाऊंगा, क्या मैं डैड को डायग्नोस कर पाऊंगा। तो ये सारे जो सपने होते हैं ना, एक नॉर्मल टेक्नीशियन होते हैं जब हम दुकान पर बैठते हैं तब हमको रियलिटी पता चलती है कि डेड फोन में, तब उनको पता चलता है हीटिंग से कुछ नहीं होता है, बैटरी चेंज करने से कुछ नहीं होता है। तो ये वाली बात है, इसी सपने को लेकर ये सारे स्टूडेंट यहाँ आए। तो आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर अब तक इनके सपने में कौन कौन सा सपना पूरा हुआ। देखा जाए तो एक बार हमने 3 तारीख को इनको पावर AC लाइव सेट से निकाल के चालू करवाई थी। मुझे बताओ किस किसने की है पावर AC निकाल के, दिखा दो। पक्का यहाँ पर? फिर अगर बात करेंगे 4 तारीख 4th ही दिन में, जो हमने इनसे बोला था काउंसलिंग के दिन कि आपको CPU निकलवा के चालू करवाएंगे, मुझे बताओ किस किसने किया यहाँ पर? हमने सर। सबने किया ना यहाँ पर? ठीक है। तो उसके बाद में हमारे लाइव डायग्नोस चालू हुए, सेक्शन वाइज हुए, BBAT की सप्लाई जिसमें हमारी ऑडियो की सप्लाई, ग्राफिक्स की सप्लाई, लाइट की सप्लाई, चार्जिंग, माइक्रो कनेक्टर, माइक्रो जंपरिंग, सब तरीके। ये मुझे बताइए ये किस किसने किया यहाँ पर बताओ? आपने सब तरीके वोल्टेज चेक किए, पाइपलाइन चार्ज की, स्कीमेटिक पढ़ना सीखा, ओवरऑल हार्डवेयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक बताइए? किस किस को अच्छा लगा मुझे बताओ? ठीक है, आज हमारी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक डैट सेक्शन है, और डैट सेक्शन इतना कॉम्प्लिकेटिंग होता है क्योंकि पहली बात तो डैट सेक्शन को समझाए कैसे। देखो डैट सेक्शन समझाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि कौन समझा रहा है, एक टीचर, एक वो टीचर जो कि गूगल पढ़ा हुआ है, या एक वो टीचर जो थ्योरी वाला है, या एक वो टीचर जो खुद प्रैक्टिकल करता है। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि एक डैट सेक्शन जो इनका लेता हूँ, वो लेता हूँ मैं, जो जिसमें मैं प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों चीज़ इनको समझाता हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ कि किस तरीके से डैट सेक्शन जो हम बनाते हैं वो यहाँ पर इनको कि एक बार जिनको केस स्टडी बताते हैं वही केस स्टडी इनको आए और कुछ अलग ना आए। सो मैं आइए इनसे पूछता हूँ, क्या आज का डैट सेक्शन हार्ड था कि सॉफ्ट का बताइए? किस किस को अच्छा लगा और समझ में आया मुझे बताओ? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? सिर्फ यहाँ पर समझाया कि प्रैक्टिकल बताया यहाँ पर?
बताओ कादर, प्रैक्टिकल बताओ यहाँ पर। और यहाँ पर भी बीपीएच लाइन क्या है, कैसे आती है, एक फोन भी हमने चालू किया और जिसमें हम बहुत सारे फोन भी, ऐसा नहीं है कि हम सारे फोन चालू करें भाई, हमारे पास में सीखने का टाइम है। आज डायग्नोस है और डायग्नोस में पहले तो हम ये तो जाने कि एक डॉक्टर सबसे पहले ये जानना सीखता है कि मरीज में क्या दिक्कत है, या सीधे आकर मरीज को खोल देता है, सीधे आके बोल देता है एमआरआई के अंदर चले जाओ, नहीं ना। तो पहले बेसिकली हमें डायग्नोस, हमारा डायग्नोस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और डायग्नोस के लिए हमारे को सारे सेक्शन आने चाहिए, हमारा लाइट सेक्शन पता होना चाहिए, हमारा वीडीडी, हमारा हर तरह का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए, नेटवर्क सेक्शन हमें पता होना चाहिए। मुझे बताओ नेटवर्क सेक्शन कैसा रहा आप लोगों का, किस किस को अच्छा लगा बता बताओ नेटवर्क सेक्शन। चलो ठीक है, अब मैं एक बार अपने इंट्रोड्यूस करूंगा दुर्गेश सर के साथ। दुर्गेश सर की मेडिटेक की क्लास किस किस को अच्छी लगी बताइए एक बार, सर के लिए ताली बजा दो जोरदार। दुर्गेश सर क्या बोलना चाहेंगे और नया क्या देना वाले हैं अभी आप? तो जैसा कि हमारे यहाँ स्कीमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, पहले हार्डवेयर और आज डेड, तो डेड में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो डेड है वो हार्डवेयर से डेड हो, सॉफ्टवेयर से डेड हो, एमएमसी से डेड हो। तो अगर आप पर्टिकुलर परफेक्ट नॉलेज लेते हैं कि अगर आपको हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है, अगर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है, अगर आपको एमएमसी का नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी डेड डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आपने हार्डवेयर पढ़ा, आज आपको एक दिन की सॉफ्टवेयर की भी क्लास हुई मीडियाटेक, तो कैसा रहा मीडियाटेक की फ्लैशिंग और लॉकिंग कोड? तो यहाँ पे विद प्रैक्टिकल जो ऑनलाइन वाले फ़ोन होते हैं जो कि एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम दूसरे से करवाते हैं, उनको ये बोल के बोला जाता है अगर एक क्रेडिट लगेगा या फिर वो ऑनलाइन सर्वर से कराया जाएगा। तो मीडियाटेक का फ़ोन कितने परसेंट हम फ्लैश कर सकते हैं? 90% कर सकते हैं। ये आप कर लोगे कि बस ऐसे ही बता रहे हो? तो हर एक दिन इनको लोडर क्या होता है, फाइलों की पूरी डिटेलिंग, टूल्स कैसे चलाते हैं, टूल अपडेट कैसे होना है, इनको इन फ्यूचर कैसे अपडेट होना है, ये सारा कुछ हम सॉफ्टवेयर की क्लास में बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ में दीपक साहब, जोरदार ताली बजा दो सर के लिए। सर थ्रू आउट तुमने इनको विद प्रैक्टिकल रहे, मेरे साथ रहे, कैसा रहे उनका, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारे साथ? जी सर बिल्कुल, इनके बारे में बताना चाहेंगे कि काफ़ी मेहनती हैं लोग और डे वन से हम इनको देख रहे हैं। जी जी, मतलब इन लोगों का सीखने का स्टेमिना इतना अच्छा है कि हम लोग 11:30 तक रात तक क्लास इनको देते हैं तो भी ये नहीं बोलते कि हमको घर जाना है। आई ए सी के लिए सही बात। तो दीपक सर के बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 4 साल पहले यहाँ पर सीखने के लिए आए थे और आज यहाँ पर टीचर है, समझ में आ रहा है? इनकी यूपी में 2 दुकानें चलती है इसके साथ और दोनों दुकानों को हैंडल करते हैं यहाँ पर फोन के साथ। और हमारे जो बैकअप ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले वो इन्हीं को कॉल लगाते हैं और लाइव इन पे टीम व्यूअर में आके दीपक सर क्लास के साथ उनको सपोर्ट भी देते हैं, कॉलिंग पे सपोर्ट देते हैं, व्हाट्सएप पे सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे साथ में आइए कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं उनका अनुभव। पूरे सारे स्टूडेंट से बात भी करूंगा, ना ही मेरे पास टाइम है ना ही इनके पास और ना ही मेरे पास क्लास में, देखो मैं क्लास जाना है, तो कुछ स्टूडेंट से बात करूंगा और इनका अनुभव जानूंगा। तो मुझे, मैं चाहता हूं कि यहां पर लाइव वीडियो भी लिया जा रहा है यहां पर, ये लाइव वीडियो लेने का क्या क्या मतलब है बताओ, क्यों लेते हैं हम लाइव वीडियो बताइए? ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी। ये कोई एडिटेड वीडियो तो नहीं है ना, लाइव चल रहा है यहाँ पर? अभी खड़े हो, क्या नाम है? आसिफ मुलानी, पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से जल्दी बताओ? पुणे से है सर, पुणे में से जेजुरी बोल के छोटा सा रूरल गांव है वहाँ से आया हूँ। यहाँ से एसर टेलीकॉम क्यों आ गए? सीखने के लिए सर। क्यों पर एसर टेलीकॉम क्यों? महाराष्ट्र में तो दिल्ली जा सकते थे, कहीं मुंबई जा सकते थे, यहाँ पे क्यों? जो सीखना है मुझे, जिस तरीके से सीखना है, जिस लेवल से सीखना है, वो खाली ऐसे लेवल मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं लगा? कम पैसे में भी सीख सकते थे, ऑनलाइन सीख सकते थे, 5,000 में सीख सकते थे, किसी के 15,000 के कोर्स में सीख सकते थे, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट के किसी इंस्टीट्यूट में सीख सकते थे, ऐसा क्यों लगा कि हमारे पास ही आना है? क्योंकि आपको जो तजुर्बा है, इतने सारे स्टूडेंट पढ़ाए, इसलिए आपको मालूम है कि किस स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। यो मेरे को समझ में आ जाए, इस तरह से तरीके से सिर्फ यहीं पे सीखने मिलेगा, इसलिए मैं वहां से। सीपीयू पावर सब लाइव लगाया यहां पर सर? यस सर। और हर सेक्शन में आपने फोन पे टेस्टिंग की है यहां पर? यस सर। वो लाइट का हो या ग्राफिक्स का हो, ऑन मोबाइल में? यस सर। और डायग्राम भी बनाया उसका? यस सर। लाइनों का नॉलेज लिया आपने? हां सर। और मुझे बताओ कि आज क्या क्लास थी? आज डेड सेक्शन था। आज हमने यहां पर बहुत सारे मोबाइल है, किसके मोबाइल है सर? पूरे स्टूडेंट्स के मोबाइल। तो आज आप सवेरे क्या सोच के आए थे, मुझे बिलीव बताओ, बिल्कुल सवेरे क्या लग रहा था कि कैसे जाएगी और अभी कैसा लग रहा है?
डेढ़ सेक्शन समझेगा, कितना अंतर है, डेढ़ सेक्शन समझेगा नहीं समझेगा, उसमें से कुछ आएगा नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। लेकिन आपके जो भी कंफ्यूजन है वो कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा लग रहा है कि डेढ़ सेक्शन बहुत अच्छा है। चलो मुझे बताओ, अगर मैं पहले दिन ही बता देता तो समझ में आता क्या? नो सर, डेढ़ सेक्शन समझने के लिए हमें बहुत सारी लाइनों का जानकारी जरूरी है कि नहीं है? यस सर। आज हम VRG L5 L जो 1.8 से सब वोल्टेज जान रहे हैं, तो ये हम पहले से जान रहे हैं कि 1.8 वोल्टेज कहां कहां आ रहा है। यस सर, इसी वजह से ना। तो मुझे बताओ, डेढ़ सेक्शन में सिर्फ हमने बोर्ड पर समझाया या लाइव प्रैक्टिकल? लाइव प्रैक्टिकल, लाइव डायग्नोस किया, लाइव प्रैक्टिकल किया। और ये आप कर सकते हैं क्या इसके साथ? यस सर। और मुझे बताओ, एशिया टेलीकॉम को आना चाहे तो क्यों आए, बताओ? एशिया टेलीकॉम को आना चाहिए, किसी को आना है तो सीखने के लिए आए, जो भी वो बोलते हैं ना आप, उनकी एंडलेस सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आना चाहिए। अगर ऊपर का नॉलेज वहीं पे मिल सकता है, लेकिन जो भी बोलते हैं ना एंडलेस, कि उसके आगे कुछ नहीं है, तो वो सॉल्यूशन चाहिए। यस सर, अमन मोबाइल गैलरी जेजुरी में मेरा शॉप, अमन मोबाइल गैलरी में बोल के वहाँ पे मेरा शॉप है। आपका मोबाइल नंबर बोलो। 9503878655। आप लाइव दे रहे हो नंबर अपना? यस सर। अगर आपको स्टूडेंट के कॉल आए कि भाई हमारा ये सेट बना दोगे, तो बना दोगे उसका सेट? यस सर, फुल कॉन्फिडेंस से बना दूंगा सर, फुल कॉन्फिडेंस से। यस सर। और ये बनाने के लिए कौन गुरु बैठे तुम्हारे साथ? देवेंद्र अग्रवाल। हेलो देव सर। देवरत्न अग्रवाल, एशिया टेलीकॉम बैठा है? एशिया टेलीकॉम बैठा है? एशिया टेलीकॉम बैठे सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अजय सर। अजय? यस सर। अजय कहाँ से? लखनऊ यूपी सर। लखनऊ यूपी से। कैसे एशिया टेलीकॉम? सर हम आपकी वीडियो देखते थे, तो लगता था कि सर आपके पास नॉलेज तो है बट उसके साथ एक्सपीरियंस है सर। तो उसको देख के आया। बाकी तो जरूरी है कि नहीं है? यस सर, होना। अगर एक कोई बक कॉल बता रहा है वीडियो में पर वो 4 महीने वाला है सर, तो हो सकता है कि बहुत सारे केस स्टडी नहीं बता पाए। यस सर, वो वही लाइन पढ़ा पा जो पढ़ के आया है। यस सर, ऐसा ही हो सकता है ना? यस सर, इस फील्ड में नॉलेज और एक्सपीरियंस का होना जरूरी है कि नहीं? यस सर, दोनों होना चाहिए सर। बट टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज फर्स्ट चाहिए। एक्सपीरियंस फर्स्ट है सर। मुझे बताओ अब तक का एशिया टेलीकॉम कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा। हम लोग जब शुरू में आए थे तो सर लगता था कि नहीं सीख पाएंगे या सीख पाएंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे सर, बट आज तो एकदम मतलब 80-90% था। आज क्या? आज सर डेट सेक्शन था। डेट सेक्शन बताओ सर, बताओ डेट सेक्शन सर मतलब खत्म हो गया, मतलब क्लियर हो गया। अभी डेट सेट में पहले क्या करते थे सर? मतलब नॉर्मली जो करते थे सर, जो मतलब कि साफ ऑफ करके क्लीनर वगैरह, हीट वगैरह। कभी भी आपने कभी आपने एलडीओ सप्लाई, बक सप्लाई या एमएमसी वोल्टेज या कभी भी पोर्ट बाजी ये सब किया? नहीं सर, कभी नहीं किया सर। अब नॉलेज हो गया? यस सर। अब कोई डेट सेक्शन ऐसा तो नहीं है कि डायग्नोस नहीं हो पाएगा? नहीं सर, सारे हो जाएंगे सर। अभी तो एकदम रट गया सर, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ एक क्लास देखी है, अभी तो हमें प्रैक्टिकल करना है और हमें उसको एग्जीक्यूट करना आगे की क्लासों में। एमएमसी करना है, प्रोग्रामिंग समझना है, डुअल डिकर करना है। अब तो हो जाएगा सर, अब तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर हो जाएगा। पैसा वसूल हुआ कि नहीं? यस सर, पक्का 100%। एशिया टेलीकॉम लोग बोलते हैं, बहुत सारे रिव्यू डालते हैं, फेक वीडियो डालते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? नो सर, वो लोग को सर जो फेक वीडियो डालते हैं उनके लिए सर एक ही है कि वो लोग या तो यूट्यूब से सीखे हैं या तो वो लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बता रहे हैं कि मत जाओ, फेक है। तो सर वो मतलब वो उनके पास है नहीं सर, उनका फ्यूचर ही नहीं है सर। जिसका जिसका स्ट्रगल करने की कैपेसिटी नहीं, सीखने की कैपेसिटी नहीं, वही बोलेगा। वो इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? वो सर उनके पास नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है सर। हमारे पास स्टैमिना है सर। हां सर, चिढ़ रहे सर, जेलस फील कर रहे सर। तो क्या करेंगे वो? अपने आप को खुजाएंगे या तो बोलेंगे? या बोल रहे हैं जो जिसका सर लेवल जाया नहीं जा सकता उसको गिराया जा सकता है। किसी से नफरत करते हैं और हम उसको मान नहीं सकते, तो उसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है। यस सर। चलो मुझे बताओ तुम्हारी शॉप का एड्रेस है? यस सर। बोलो सर, मेरी शॉप है लखनऊ में तेलीबाग है सर पूरा। और अपना नंबर बोलो। 9140856836। अगर कोई स्टूडेंट तुम्हारे को कॉल करे कि मेरा सेट बना दो तो बनाओगे उसका? यस सर, पक्का। यस सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, बोलो क्या नाम है? मेरा नाम है राज शर्मा, मैं अभी असम से आया हूँ लेकिन बैठता हूँ बेंगलोर में। मैं एशिया टेलीकॉम में ज्वाइनिंग किया हूँ, बहुत अच्छा लगा। पहले मैं 4 साल से बेंगलोर से हूँ। जी बेंगलोर से। अच्छा, तो बेंगलोर से डायरेक्ट आए हो यहाँ पर? जी जी जी। ओके, तो इतनी दूर से कैसे आ गए? क्या सोचा? 4 साल से मैं एशिया टेलीकॉम को फॉलो कर रहा था। फॉलो कर रहा था, बहुत बार आने के लिए सोचा भी था, मैंने 2-3 बार कॉल भी किया था। जी जी। उस टाइम मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया आने के लिए, कुछ वैसा ही हो गया। हाँ। आ नहीं सका, फिर ये बैच में मैंने ज्वाइनिंग किया है। हाँ। बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो पढ़ाने का इधर यहाँ में स्टाइल है, पढ़ाने का जो सिस्टम है बिल्कुल, वो बहुत, जैसे कि माता पिता भी उतना अपना बच्चों को वैसा नहीं पढ़ाते होंगे, उतना मेहनत से हमारा लिए 6-6 घंटा सर, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा बिना खाए पिए पानी पिए पढ़ाते, उतना मेहनत करते हैं।
जैसे कि हमारा एमडी सर हो गए, दीपक सर हो गए, हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। एशिया टेलीकॉम आने से पैसा 200% वसूल है। सही बात है, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बताइए कि आज डेट सेक्शन का अनुभव कैसा रहा, बताइए। बहुत बढ़िया सर, पहले पहले तो मैंने पहले भी काम किया था, लेकिन वही यूट्यूब वाला काम जो यहाँ पे बोलते है ना, आओ खोलो देखो उसके बाद में साफ करो, हिट मारो, होगा तो होगा नहीं। एक बार मैंने कई पूरी क्लास में कभी ऐसा बोला कि बैटरी के 3.5 वोल्टेज चेक करो, बोला क्या एक बार, यही होता है यूट्यूब में। डेट आया तो पहले बैटरी बूस्ट करो, ये सारी चीज करो। भाई पीसीबी डेड है तो बैटरी क्या करेगी भाई, तो सीधी सी बात है। चलो आपका एड्रेस क्या है? मेरा अभी बेंगलोर व्हाइटफील्ड है, व्हाइटफील्ड में अभी दुकान तो खोला नहीं है, अभी तो ठीक है। आप जब दुकान खोलेंगे तो हम आपका नंबर और दोनों डालेंगे, ठीक है? ठीक है, मुझे कौन कौन यहाँ पे दुकान का एड्रेस और नंबर दे सकता है मुझे बताओ, सब दे सकते हैं यहाँ पर? yes, जिनकी खुलेगी आगे जाकर, मुझे सबका नंबर चाहिए। yes, सबके हाथ उठाओ। yes, हर स्टूडेंट का नंबर डाल लूंगा मैं यहाँ पर, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखूंगा। हर कोई बच्चा किसी को भी कॉल करके पूछ सकता है कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, मैं तुमको जो बताना है वो बताओ। कादर उठो, बताओ। मौलाना सॉरी कादर नहीं, बताओ मौलाना आप कहाँ से होते हैं? मैं अलीराजपुर मध्य प्रदेश, मेरा नाम गुलाम अहमद है। जी गुलाम जी, जी बताओ कि क्यों यहाँ एमपी में आना हुआ, एमपी में ही जबलपुर में? सर मैंने 2 महीने से कंटिन्यूस वीडियो यहाँ के देख रहा था, ऑलरेडी इसके पहले मैंने दिल्ली और कोलकाता के भी देखे थे वीडियो। जी, 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 जी। लेकिन सर मुझे यहाँ का वीडियो देख कर मैंने तुरंत फोन लगाया, और जितने भी वीडियो देखा आपने, वीडियो लेकिन ऑलरेडी जो यहाँ के स्टूडेंट थे ना, उनकी जो दिल की बातें जब देखता था सुनता था, उनके चेहरे की रौनक, तो मेरे दिल को लगा कि नहीं मैं तो अभी आपकी है जी, ये फेक हो क्या? नहीं सर, नहीं है, नहीं सर। आपको आते साथ तो हमने रिव्यू नहीं लिए। नहीं सर, हम रिव्यू तभी लेते हैं जब हम कुछ सिखा देते हैं जी सर, रिव्यू सिखाने से पहले तो नहीं लेते ना यहाँ पर। नहीं सर, जैसे डेट सेक्शन आज हुआ, आज मुझे बताओ आज का क्लास कैसा? बहुत मस्त लगा सर। पक्का? बहुत। तुम्हारे भी कुछ सेट है यहाँ पर जी सर, जिसको हमने डायग्नोस किया यहाँ पर, तो डायग्नोसिंग समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, प्रैक्टिकली किया कि नहीं किया? किया, बहुत बेहतरीन। मुझे बताओ आपने सीपीयू और पावर दोनों लाइव लगाए कि नहीं लगाए क्लास? जी लगाए ना सर। उससे पहले कर पाते थे? नहीं नहीं सर। यूनिवर्सल स्टेंसिल से सीपीयू रिवॉल्व किए क्या? कभी कभी नहीं किए सर। कहाँ किए? एशिया टेलीकॉम। और यहाँ के टीचर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत मस्त सर, बहुत मस्त पढ़ाते हैं। अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताओ, डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है बताओ? बहुत बेहतरीन सर। बताओ कितना इम्पोर्टेंट? 100% डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है जी। जी सर, अगर कहीं डिसिप्लिन नहीं हुआ, कोई भी कहीं कैसे भी जा रहा है, किसी भी टाइम पे कोई आ रहा है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे क्या? नहीं सर, ऐसे माहौल में नहीं सर। टीचरों का कोई आना जाना नहीं है, कोई टाइम की बंदिश नहीं, कभी 5 बजे छुट्टी दे रही, कभी 8 बजे पढ़ा रहे, कभी आपसे पूछ के पढ़ा रहे, कभी आपसे पूछा बताओ क्या पढ़ा है, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट को कोई नॉलेज नहीं है? कोई नॉलेज नहीं, तो दुकान हो गई ना। सही बात, ऐसी जगह सीखा जा सकता है? नो सर, नो सर। तो ऐसा टेलीकॉम मतलब डिसिप्लिन, एक गुरुकुल है, गुरुकुल होता है ना जी सर। गुरुकुल में क्या होता है, बच्चों को डांट भी पड़ती है जी सर, और उनको सिखाते भी है जी सर। क्या हम डांटते हैं, कोई बुरा करते हैं? नो सर, बिल्कुल ये सही करते हैं सर, सही करते हैं। क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट से? गुलाब मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो बेशक बेधड़क आ सकता है वो, और बाकायदा सबके नंबर भी डले हुए हैं, अगर कोई जायजा लेना चाहे तो जायजा भी ले सकता है, और एशिया टेलीकॉम आ सकता है, उसका पूरा पैसा वसूल है। अरे गुलाम के लिए जोरदार ताली बजाओ। बोलो। मेरा नाम शारिक अली है सर, मैं भी मध्य प्रदेश अलीराजपुर का हूँ सर। वेरी गुड। कहाँ, क्यों, व्हाई एशिया टेलीकॉम, व्हाई यू चूज एशिया टेलीकॉम? सर मैं काम तो बहुत टाइम से करता था सर जी, लेकिन मैं गुलाम भाई के साथ वीडियो आपके देखा करता था, और ये जब आने के लिए यहाँ तैयार हुए सर। अच्छा, साथ में आए क्या? साथ में आया जी, सर जी। तो ये कहते थे कि एशिया टेलीकॉम अपन, मैंने दिल्ली भी बात कर ली है, फिर बेंगलोर कोलकाता हर जगह मतलब बात करी थी इन्होंने, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट वगैरह जितने भी थे उनके चेहरे देखने में जो खुशी नहीं मिलती थी, जो एशिया टेलीकॉम के जो लड़के हैदराबाद, ये तो सब तो कम फीस में पढ़ा रहे हैं, हैदराबाद में तो हमारी बालक बैठा हुआ है, तो फिर क्यों? नो सर, आपके ही पढ़ाया हुआ बच्चा, और यहाँ के आपका खुद का एक्सपीरियंस बहुत अलग है सर। मेरे से एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर स्टूडेंट कैसा भी पढ़ा रहे, टीचर पढ़ाता है वो अलग ही होता है, वो अलग ही होता है सर। तो यहाँ पर जितने भी लड़कों के हम वीडियो देखते थे, तो हमारे को उनके जो चेहरे की खुशी है कुछ अलग ही मिलती थी, तो हमारे को पहले दिन से हर दिन जो भी पढ़ाया वो खुशी मिली कि नहीं मिली? बहुत बहुत सर, ज्यादा मिली खुशी। तुमने सीपी पावर दोनों लगाए? दोनों लगाए सर। आने वाले समय तुम ब्लैक पेस्ट भी करने वाले हो, डुअल लेकर भी करने वाले हो सर। मुझे बताओ कि आज का सेक्शन कैसा था? आज बहुत मजा आया सर। क्या था आज? आज डेट सेक्शन था हमारा, और टोटल पीस जितने भी वहाँ बॉक्स के अंदर है वो टोटल जितने भी स्टूडेंट है उन्हीं के है, यहाँ पर ना आप घर से लाए हैं ना इस क्लास के, टोटल उसी पर हमारे को सर्च करा और काम
काम करके हमको बताया उस पर सब, और लाइव हमारे को सब काम करके बताया। और जिसमें कोई डायग्राम यूज किया गया आज मैंने? नो सर। बताओ डायग्राम यूज किया क्या? नहीं तो लोग तो बोलते हैं डायग्राम के बिना तो डेड बना ही नहीं सकते हैं। यस सर, यस सर। तो मैंने बहुत सारी लाइनों को बताया और मैंने ये भी बताया कि डायग्राम के साथ कौन सी लाइनें देखना है, बहुत सारी लाइनों को भी बताया। बहुत सारी सर। तो मुझे बताओ स्टूडेंट को क्या आना चाहिए यहाँ पर? सर उनको जितनी जल्दी हो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर लेना चाहिए सर। अच्छा, अपना टाइम इधर उधर जाकर क्या बात है। और एशिया टेलीकॉम में आपने आकर देव सर के साथ बिल्कुल क्लास, और हमारे एमडी सर है दीपक सर है, हमारे पे बहुत ध्यान रखते हैं, 11 बजे तक हमारे को जाने नहीं। और ये प्रोटोकॉल है। यस सर। हर टीचर बहुत अंडरकवर ऑफिसर जैसा काम करता है और हमारे को बहुत प्यार से समझाते हैं। जब तक संतुष्टि नहीं मिल जाती हमारे को वहाँ पर बिठा कर, जब तक काम क्लियर नहीं है तब तक हमारे को नहीं छोड़ना। नगर निगम में लोग 5 से 6 ड्यूटी करते हैं, अब कहीं मकान बन रहा है नहीं बन रहा उनकी भला से, पर जो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी जो ऑफिसर होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जो FBI या CBI या जो भी होते हैं, जितने भी रॉ होते हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने घर वालों को भूड़ के 24 घंटे काम करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को कुछ बड़ा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तो बहुत 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 बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे कभी टीचर को भागते हुए देखा है क्या? नो सर, टीचर को तो भागते, बच्चे जल्दी से 5 मिनट टाइम दे, 5 मिनट में आना उनको रिटर्न, उनको ज्यादा देर तक के लिए टाइम नहीं है। आपकी क्लास कब चालू हुई बताओ? सर आज हमारी क्लास 11:30 बजे चालू। और आपको लंच कब दिया गया बताओ? लंच सर हमारे को 6 बजे। 6 बजे एक भी बीच में क्लास कहीं पे बंद हुई क्या? नो सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। नहीं तो अगर टीचर तो होगा तो उसको 4 बार खाना है, तो एक बार लंच कर 1 घंटे का, घर जाएगा बीबी के हाथों से बना हुआ पकवान खाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस लोग आओ यहाँ पर आओ, बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कृष्ण प्रकाश तिवारी है। हाँ। मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ। तो ऐसे क्यों यहाँ पर क्यों आए और मुबारक पीढ़ी का क्या या सर आपका है? आपका वीडियो देखते थे यूट्यूब में जी। तो यूट्यूब में वीडियो तो और भी लोगों का देखते थे, लेकिन आपका वीडियो देख के लगता था कि यहाँ पर हम लोग कुछ सीख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया। तो आप मुझे बताओ पहले दिन से अब तक में कितना अंतर है तुम्हारे में? पहले दिन तो सर मतलब पहले तो सर हम सोचते थे कि मोबाइल फील्ड इतना ही बड़ा है और इतना ही मोबाइल है, सब कुछ अपडेट है, आया साफ कर दिया, चालू हुआ तो हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, बहुत बड़ा फील्ड है और इतना डीपली नॉलेज मिला कि अब लगता है कि अब कोई मोबाइल तो एकदम इजी वे में बना सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो आज का क्लास क्या था? आज का क्लास डेट सेक्शन था सर, और डेट सेक्शन मैंने बहुत मजा आया बनाने में। अच्छा, बहुत जबरदस्त, मैंने इतना अच्छा आप समझाया सर कि मतलब सारा जो जितना मैंने अभी तक डेडी तो हम लोग वापस कर देते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। या हिट मारते थे या वापस एक दुकान में मैं तो खुद बैठा हूँ, हम सब बैठे हैं एक दुकान में, पुराना एक्सपीरियंस दुकान का, एक दुकान में, और आपको भी एक दुकान में अगर दिन में 10 सेट आते हैं तो 6 डेड आते हैं। हाँ सर, सबसे ज्यादा डेड आते हैं। फिर एक लाइट का, कोई एक नेटवर्क का, चार्जिंग का, ज्यादातर डेड आते हैं। और आदमी डेड ही नहीं बना पाता, डायग्नोज नहीं कर पाता, हीटिंग कर देता है। सही बात, कभी हीटिंग करना चाहिए क्या? नहीं अभी बिल्कुल नहीं सर, अब तो जैसा तरीका बताया हमको लगता है 10 में से तो 10 सेट बन जाएंगे। नहीं 10 में से मैं बोलता हूँ 8-9 बने, पर 10 के 10 डायग्नोज होने चाहिए। एकदम सही सर। कि सर क्यों नहीं बने, क्या रीजन से? कोई इमरजेंसी नहीं हुई, कोई CPU खराब हो गया, या CPU चेंज करना हुआ, या जैसे हमने देखा एक बोर्ड बिल्कुल टोपी बन गया था, तो अभी उसका बोर्ड नहीं होगा तो बन पाएगा क्या? मतलब स्वैपिंग करना पड़ेगा। मुझे बताओ कैसा है, स्टूडेंट आना चाहे तो क्या बोलोगे? बस सर एक ही चीज बोलना चाहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जिसका किस्मत सुपर होगा वही ऐसे टेलीकॉम, सबका सबके हाथ में नहीं मिलेगा सर, जिसका किस्मत बढ़िया होगा वही ऐसे टेलीकॉम। मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात कही, एक स्टूडेंट हर महीने एक यहाँ से आकर यहीं से रिटर्न हो जाता है, पहली क्लास काउंसलिंग भी अटेंड नहीं करता है, और सिर्फ ये देख कर कि बिल्डिंग ऐसी है, ये देख के कि हॉस्टल ऐसा है, वो कंफर्ट जोन चाहता है, वो देखना चाहता है कि मेरे को AC दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो देखना चाहता है कि मैडम स्वागत कर रही है कि नहीं कर रही है, समझ में आ रहा है? वो टीचिंग नहीं देखना चाहता, वो पढ़ाई लेने नहीं आया, वो चाहता है कि मुझे किस गद्दी पे बिठाया जा रहा है, तो उसकी किस्मत कैसी होगी बताओ? वही उसकी किस्मत खराब है, घूम रहा होगा ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो जिसका किस्मत अच्छा है वही एशिया टेलीकॉम आता है, और वही एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकता है, बाकी कोई नहीं। मैं सर अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ कि मैंने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया, और जो अभी सोच रहे हैं कि ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, वो तुरंत आ जाओ, अगर किस्मत अच्छा है तो मिल जाएगा, तो ऐसा गुरु नहीं मिल सकते देव सर जैसा गुरु। आपका आपका शॉप है? हाँ सर। नंबर अपना एड्रेस बोलो। मेरा सर जमशेदपुर में है, स्टेशन के नज़दीक ही है, बागबड़ा में, और मेरा नंबर है 9308190004। एक स्टूडेंट का नंबर आधे कोर्स में कोई दे सकता है मुझे? कोई नहीं दे सकता सर, कोई दे सकता है कोई दिल्ली, जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, जिस पर खुद को
कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अपने स्टूडेंट से दिलवा सकता हूँ। सही बात है ना, एकदम, क्योंकि तुम्हारे को नंबर दिया जा रहा है, लोग तुमको कॉल करेंगे, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक है, थैंक यू। एक स्टूडेंट है, ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है अपने अंदर। बोलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित चौरसिया है, मैं इंदौर से आया हूँ। मोहित बोलो, तुम्हारा अभी लोगों ने वीडियो देखा बीक्यू का, बहुत ज्यादा फैंस हुए तुम्हारे, लोग बहुत सारे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ये तो टीचर है। अच्छा मुझे बताओ ये टीचर है क्या? नो सर, स्टूडेंट है क्या? नहीं सर, स्टूडेंट हूँ मैं, स्टूडेंट हूँ, सीखना आया हूँ। मैसेज कर रहे लोग पर्सनल? नहीं नहीं, मेरे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं सर ये टीचर आ गया कोई? नहीं नहीं सर, मैं आपसे सीखना आया हूँ, आपका एक्सपीरियंस लेने आया हूँ। आपने जो इतने साल दिए और जो इतना डीप लेवल पे आप वीडियो बनाते हैं, मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था आपको, मैं आने की कोशिश भी किया, ट्राई भी किया पहले, पर मैं आ नहीं सका मेरे पारिवारिक कारणों की वजह से। पर इस बीच में मेरे को टाइम मिला, मेरे अपने काम से मुझे फुर्सत मिली, तो मैं कहां से आयो? मैं इंदौर से आया हूं। इंदौर से आयो, तो ये बताओ कि एशिया टेलीकॉम में पहले से आना चाहते थे? पहले मन था आपका? बहुत पहले से मन था मेरा कि मैं यहां आके, ऐसा कुछ नहीं सोचा कि कम फीस में कहीं और पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं था सर? ऐसा कुछ भी क्यों नहीं था? ऐसा सर, आपका जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल है और मेरे को वही नॉलेज गेन करना है। मैं यहां मतलब डीप लेवल नॉलेज के लिए आया था, कंफर्ट नंबर के लिए तो नहीं आया? नहीं नहीं सर, मैंने कभी ये सोचा ही, दिल्ली चले जाऊंगा तो चार चीज घूम भी लूंगा, टूल्स भी खरीद लूंगा, दिल्ली में लाल किला भी हो जाएगा, ऐसा नहीं तो सर, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और ना मैं ऐसा सोचता हूँ सर। मेरे को तो जो सीखना है ना, मैं उसके लिए डेडिकेटेड हूँ, मैं पूरा डेडिकेशन से वो सीखता हूँ। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि एक दिन मैं भी आपकी आप ही की तरह यहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल डीप लेवल पे नॉलेज लेना चाहता है वो एशिया टेलीकॉम जरूर आए। आज क्या सेक्शन था? आज डेट डायग्नोस था। आपने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया, पूरा समझ आया, और कुछ गलतियां मैं पहले करता था जो मेरे को मालूम पड़ी, और अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा और मैं भी बनाऊंगा सर सेट पक्का। यस सर, चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए फिर से। कॉन्फिडेंस, आपने यहाँ पर पावर सीपीयू सब निकाला है यहाँ पर लाइव। यस सर, यूनिवर्सल स्टेंसिल से 8 रिवॉल्व किया आपने। हाँ सर, शुरू में सारे सर्किट बनाए, बीक्यू समझा, नेटवर्क समझा, आपने लाइट समझा, कहीं पर भी ऐसा लगे कि कहीं हमने कम ज्यादा बताया हो बताइए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थ्योरी करने के बाद एमडी सर जो प्रैक्टिकल देते हैं उसमें सारे डाउट क्लियर होते हैं, जो कुछ भी डाउट। जैसे नेटवर्क सेक्शन में मेरे को डाउट था, मैंने सर को बोला कि नेटवर्क सेक्शन में हो सकता है मैं थोड़ा फंसूं, सर ने मेरा पूरा डाउट क्लियर करा प्रैक्टिकल क्लास में। उसके बाद पूरा सिस्टमेटिक तुम्हारा भाई देख रहा होगा, इनके भाई ने इनको भेजा, इनका भाई आईफोन रिपेयरिंग करता है राइट? यस सर। और बड़ा टेक्नीशियन है भाई, और मुंबई में है सर, चिपलून में है, एक्चुअली मामू है मेरे। हाँ, तो वो मामू है आपके? यस सर। क्या नाम है उनका? सर उनका असलम भाटकर नाम है। अच्छा, तो उनके चिपलून में है ZTS करके। अच्छा, तो वो एक्चुअली ये AMMC ये सब वो उन लोग वो करते थे, तो मैं उनके पास मैं बोला कि मैं सीख लेता हूँ। तो बोले कि अगर तू यहाँ से मेरे से सीखेगा तो कुछ देखो आएगा नहीं। अच्छा, देखो कुछ सीखना है तो इंस्टीट्यूट में जाके ही सीखना पड़ेगा। तुम्हारे मामू, उनको तो मैंने पर्सनली उनको कभी पढ़ाया सर, तो वो ऐसा मेरा नाम क्यों ले दिए सर? सर वही सर, तो मैंने उनको पूछा तो वो बोले कि एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे तो मैंने उनको बोला तो और भी कोई इंस्टीट्यूट है? लेकिन उनने मेरे को बोला कि जो सर सिखाते हैं वो खुद ओनर भी है और वो खुद इतने एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है, तो उनके पास जाओगे तो आपको बहुत डीपली नॉलेज मिलेगा, तो उसके थ्रू में यहाँ पे आ गया सर। सही है, तो मुझे अब मुझे बताओ कि आपके जो मामू आपको देख रहे हैं वो वाकई में अच्छा फील कर रहे हो? हाँ सर, सर बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। यार आपने मेरे मामू से आपने मामू से मेरे से बात हाँ सर, फर्स्ट दिन आपसे बात कर रहे हैं? पहले दिन ये मेरे को दो दिन से काउंसिलिंग से बोल रहे सर मेरे मामू से बात कर लो, मेरे मामू से बात कर लो। मैंने कहा यार तुम MD से बात करा दो ना, मेरी बात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनने मेरे को बोले थे कि खासकर आप जब मिलोगे तो एक बार बात करा दो, मेरे से बात करना चाहते थे। तो अब मामू के बाद भी वो आपसे पूछते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है सर, और तुम भी बहुत अच्छा जवाब देते हो, काफी अच्छे कुमारे कंसिस्टेंसी, तुम्हारे जवाब काफी अच्छे रहते हैं और बिल्कुल सही रहते हैं। मुझे बताओ यहाँ प्रैक्टिकल करने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? सर बहुत प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही सर, सर बहुत बहुत बढ़िया। आपने पावर सीपीयू सब निकाल के हां सर, आपने चालू भी किया सर, आपने मैं अगर समझूं कि आज डेड डायग्नोस कैसा समझा सर? डेड डायग्नोस तो सर एकदम डीप लेवल से समझाओ, और जो सेक्शन जहां जाता है जिससे
अभी मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो नॉलेज मिली है सर वो बहुत बढ़िया मिली। अगर अगर मेरे पास अगर डेट सेक्शन आता है तो सर मैं 100% उसको डायग्नोज कर सकता। अभी बहुत मन करता होगा ना कि जल्दी से सेट आया हम प्रैक्टिकल करने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बिल्कुल 5 मिनट में देने वाला हूँ क्लास, जल्दी आओ। क्या नाम है तुम्हारा? इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। मेरा नाम मनीष है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो जी सर। क्या नाम है आपका? मनीष गुर्जर। मनीष गुर्जर, मुझे बताओ राजस्थान से जबलपुर कैसे है? राजस्थान में कहाँ से यार? सर राजस्थान में मैं जलावाड़ जिला। जलावाड़ जिला, ठीक है। मैं भी राजस्थान से धौलपुर, पर धौलपुर अलग है, वो अलग है। बताओ कहाँ से क्यों आए एशिया टेलीकॉम में? सर एशिया टेलीकॉम में मतलब सन 2019 से ट्राई कर रहा था और सन 2021 में मेरा सीट मैंने रिजर्व करवा दिया था, पर किसी कारण वजह से मैं नहीं आ पाया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मैसेज भी किया था भाई ये कारण है जी, तो जी, फिर अब ये 22 में मुझे आने का यहाँ मौका मिला, तो मैं बहुत अच्छा। क्या करते थे बीच में? मैं सर बीच में शॉप है सर मेरा, तो रिपेयरिंग तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं करता था, दूसरे के पास सेट लेके जाता था, उसके पास रिपेयरिंग करवाता था, और वो भी जो उससे आता था उसको वही करता था, जो कर देता था, तो बीच में जो पैसा मिलते थे वो था। हाँ हाँ बस बीच। तो फिर आपने सोचा कि मैं रिपेयरिंग चालू करूं? हाँ रिपेयरिंग खुद का और वो सीखूं, क्योंकि ऐसा फील होता था ना कि यार ये इनसे सेट ये कैसे नहीं हुआ। अच्छा, तो अपन अगर इनको करें खुद तो अपन मतलब इनको रिजल्ट दे सकते हैं, सीख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। कोई ये कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, कोई बहुत छोटा कोर्स भी नहीं है, पर यहाँ पर डेडिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत है ना। मुझे बताओ कि एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने का वाकई में, क्योंकि आज तुम्हारा 27 तारीख काउंसलिंग से ले लो, आज 12 तारीख है, काफी दिन हो गए। आज हार्डवेयर हम डेली पढ़ रहे हैं, अब हम सॉफ्टवेयर एमएमसी पे काम करेंगे, डेट पे काम करेंगे, तो अब तक का अनुभव कैसा रहा? सर अनुभव एक मतलब 100% बिल्कुल, हमें ये नहीं लगा कि हम घर से दूर हैं या कुछ कर रहे हैं या नहीं या कर रहे हैं। याद आ रही है, घर की याद आ रही है। अच्छा, घर की याद किसको आती है बताओ यहाँ पर? किसी को आती है क्या भाई? मैं बोलता हूँ जब सीखने को मिलता है ना तो घर की याद क्या बोल, घर वालों को जैसे बहुत जरूरी जो होता है ना कि एक काम फंसा रहता है, तो उस काम में हमको लगता है कि कैसे भी करके पूरा दिमाग वहीं लगा रहता है, क्योंकि हमारा वो काम होने से हमारा फायदा होता है। वैसे अगर हमारी जिंदगी बन रही है तो हमें भी किसी की याद नहीं आती है, पर घर वालों से बात कब तक हो पाती है अगर मैं बोलूं तो? सर घर वालों से बात होती है तो लास्ट में मतलब 11:30 समथिंग 12 बजे। यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के पूरे दिन भर घर में कभी भी कॉल अटेंड करने दे रहे हैं? और सर कभी ऐसा तो नहीं कि मैं कभी बार बार जा रहा हूँ कॉल अटेंड कर रहा हूँ? और सर, और सर मेरा मोबाइल जो है फ्लाइट मोड पे रहता है सुबह से, मतलब जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ, और मैं कभी कभार तो भूल भी जाता हूँ कि फ्लाइट मोड से हटाया नहीं हटाया, वो हॉस्टल जाके हटाता हूँ, वहाँ चेक करता हूँ। आपने सीट्यू लगाया, आपने पावर लगाया जी सर, सही में चालू किया आपने? बिल्कुल सर। अब आप डेट सेक्शन का मुझे अनुभव बताओ प्लीज। सर डेट सेक्शन का अनुभव ये था कि पहले हम जब डेट फोन आता था जी, तो उसको पहले तो चार्ज लगाते थे, उसमें बैटरी लगाते थे, ये नहीं तो दूसरी लगाएंगे, फिर उसको देखते थे दूसरी दुकान पे जाके, थोड़ा हम बैठ के उसको गर्म करेंगे, ऐसे पकाएंगे उसको कि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मतलब। और जब कस्टमर को जब सेट वापस देते थे तो रीज़न भी नहीं है क्या कह के दे कि उसमें क्या, उसमें ये कारण है, क्या खराब है, क्या नहीं है। ये बात तो सही है। तो ये चीज आप आज एक हमारे को दुकान जाते थे ना तो एक नेगेटिविटी सी आती थी कि हम क्या कर रहे हैं, और आज सर ये लग रहा है कि जैसे कि जब कस्टमर का जब सेट हमारे पास आएगा तो हम पूरा उसको रीड यानी कि पढ़ लेंगे पूरा, आज पीसीबी देखने का नजरिया बदल जाएगा, और उसको पूरा पढ़ के ऑटोमेटिक हम ये उसमें जज कर लेंगे इसमें क्या फॉल्ट है और क्या नहीं है, तो हम तुरंत कस्टमर को बता देंगे कि हाँ आपका सेट 100% चालू होगा और आपको इस टाइम में मिल जाएगा, ये टाइम में मिल जाएगा जो भी डायग्नोस, क्योंकि डायग्नोस सबसे इंपॉर्टेंट है। यस सर। आप लाइट का डायग्नोस करो, सेट चालू है तो लाइट की एक लिमिटेड लाइन होती है, पर डेट का कोई लिमिटेशन नहीं है, डेट कहीं से भी डेट हो सकता है जी सर, इसलिए हमको हर चीज समझना होता है, शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है, माइनर है, ओके है, तो फिर कहां से डेट है, पावर इनपुट दे रहा है या आपका सब पावर दे रहा है जी। कस्टमर को हम टाइम बता सकते हैं, और जो नॉर्मल जो टेक्नीशियन है उनको नॉलेज नहीं है, वो कहेगा हाँ 2-3 दिन छोड़ दो, 4 दिन छोड़ दो, पर लेकिन हम एग्जैक्टली उनको टाइम देंगे कि भाई आप 2 घंटे में आ जाओ, 3 घंटे में आ जाओ, आपका सेट आपको रेडी मिलेगा। चलो मुझे बताओ अब एशिया टेलीकॉम में वाकई में स्टूडेंट को रेफर करोगे अगर आपका नंबर दूं तो? बिल्कुल सर, मैं नंबर दे रहा हूँ सर, मेरा मतलब शॉप है सर नियर SBI बैंक, बालाजी मोबाइल वर्ल्ड, खानपुर, झालावाड़ रोड, खानपुर जी। मेरा नंबर है 8769 8769789204। ठीक है, ये मेरा खुद का नंबर है, नंबर आधे कोर्स में। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस किसी भी भाई को जो लाइव, और ये लाइव है मेरे भाई, लाइव ये एडिटेबल नहीं है,
चालू करो। जिस किसी भी भाई को ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना है तो वो बिल्कुल सोचे नहीं, और ये ना सोचे कि वहाँ क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्या रहने को कैसा मिलेगा, क्या होगा, आप ये बिल्कुल ना सोचे। अच्छा ये बताओ, क्या बहुत बुरी तरीके से रह रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, खाने को नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर, हर चीज की सुविधा उपलब्ध है, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है यहाँ पे। आप अगर नहीं, सच में सच में, मतलब क्या चाहिए? पढ़िया चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, नहीं या मसाज चाहिए? यहाँ पर एक अच्छा गुरु चाहिए, टैलेंटेड एक्सपीरियंस होल्डर, जो उनका तजुर्बा एक नंबर हो, वो चाहिए, वो चाहिए। क्योंकि पूरे इंडिया घूम कर आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? जोटा ताली दो इनके लिए, बात मानते हो कि नहीं मानते ये? क्योंकि अगर मैं अपने लोकल मार्केट में घूम रहा हूँ तो ये सब कुछ मांग सकता हूँ, पर मैं एक दूर जगह आया हूँ, अननोन जगह, जबलपुर नाम सुना भी नहीं होगा कईयों ने तो यार, जबलपुर नहीं सुना सर। मैं इसके पहले दिल्ली, जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट थे, मैं एक दो जगह विजिट किया था, हालांकि वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन विजिट जरूर किया था। मैं एक दो इंस्टीट्यूट विजिट किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, विजिट किया था, और मैंने फिर वहाँ से आके मैंने कॉल भी की थी उनका, मेरे पास कॉल भी आया था, फिर मैंने उनसे बोला भी था, मैंने कहा अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आके फिर ज्वाइन कर लूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर, कादिर बताइए, मथुरा से हूँ। जी जी, मथुरा बहुत अच्छी सिटी है सर। जी सर, बताओ अब्दुल। एक्चुअल में सर क्या है, मैं यहाँ जो आया हूँ वो मुझे पैसे वैसे की कोई इच्छा नहीं है कि मैं पैसे कमाने आया हूँ। अल्लाह के हुक्म से पहले से ही काफी मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं, आज पहली बार बता रहा हूँ कि मैं 3 से 4 कंपनियां चलाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मैंने शायद किसी को फोन भी किया था यहाँ पे कि ऐसे ऐसे बात है, मगर वो बात हुई थी उसके बाद। मुझे एक्चुअल में क्या, मेरी दुकान है आज भी, 2-3 दुकानें चल रही हैं, मगर जो लड़के काम कर रहे थे, जो सेट वापसी जा रहे थे, तो रीज़न नहीं पता चल पा रहा, तो रीज़न मालूम नहीं पड़ा था। जो एक्चुअल में पहले मेरा नाम था, वो नाम थोड़ा कम हो गया। अच्छा। एक्चुअल में मैं इस फील्ड में बहुत समय से हूँ, मगर मैंने यहाँ से जो लड़का सीख के गया उसको मैंने कभी किसी टाइम में सॉफ्टवेयर सिखाया। अच्छा। हाँ, मैं इस लेवल का सॉफ्टवेयर करता था, क्या बात। मगर एक्चुअल में क्या, मैं आलस होने की वजह से, काम होने की वजह से, यार सब चल रहा है, काम हो रहा है, ये हो रहा है, मैं उस वजह से, अब क्या था कि दुकान से सेट लौट के जाने में, अब आदमी ने कहा यार कभी भाई क्या हो रहा है, ये वापसी क्यों हो रही, तो बुरा लगने लगा। उसके कारण मैंने कि ठीक है, मैंने उसे बुलाया बंदे को, मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, बोला तुम एक काम करो, जाओ वहाँ और सीखो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो इसलिए मेरा यहाँ पे आने का कारण मन हुआ। और मैं जब यहाँ आया, मैंने सारी सुविधाएं देखी, तो एक दफे को तो लगा मुझे, क्योंकि भाई मैं सुविधा में रहने का, मेरा सीधा सा सारी फैसिलिटी है, एसी के आदि, सारी सारी फैसिलिटी। फिर आगे, फिर मैं उसके बाद में, फिर किसी ने मैंने बात करी, बोला अरे, बोला मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं पूछ के आया था, उसने ये सारी फैसिलिटी भाई तुम जो चाह रहे हो वो नहीं मिले, तो मैं जो है वहाँ पे मतलब सारे गाइड से रहना पड़ेगा, उसके हिसाब से रहना, डिसिप्लिन के हिसाब से। चलो ठीक है, तुम रहे भी डिसिप्लिन, मैं बिल्कुल डिसिप्लिन से रहा भी, बिल्कुल, और शुरू से लेके आज तक। और मेरा बस कारण यही था कि मुझ पे जो डैड नहीं बना रहे थे लड़कों, तो मैं सच बताऊं, आज आपने सीपीयू भी किया, आपने पावर भी किया, आज आपने डैड डायग्नोस समझे, तो अभी आपकी दुकान से कोई अगर आपका अंदर काम करने वाला ये बोल दे ये डैड है और ये ऐसा खराब है, तो आप उसको खुद डायग्नोस करेंगे कि बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल, और उसको भी सिखाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सिखाऊंगा। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। और ये चीज़ तुम्हारे लिए कि इतनी सुख सुविधा में रहने वाला आदमी जो पहले दिन में ये सोच रहा था कि भाई यहाँ मुझे एसी नहीं है, वो नहीं है, जाने की सोच रहा है, पर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में थॉट था कि नहीं इतने दूर आया हूँ यार, तो अब वापस नहीं जाऊँगा, बिल्कुल, तो हार नहीं मानी तुमने, बिल्कुल, और तुमने बहुत डिसिप्लिन से क्लास अटेंड किया, इनकी डिसिप्लिन के लिए मैं जोटा ताली दो यार, बहुत इज्जत सच में। कादिर क्या कहना चाहोगे एशिया टेलीकॉम? मैं एशिया टेलीकॉम के लिए ये कहना चाहूँगा कि टोटल पैसा वसूल है यहाँ पे, और कोई भी आ सकता है, बिल्कुल, और चाहे तो मेरा नंबर ले ले, मुझसे पूछ सकता है, मेरा ऑनलाइन सर, मैं मथुरा से बीके टेलीकॉम के नाम से मेरी दुकान है, बीके टेलीकॉम, और ऑफिस भी है, मतलब अपना एड्रेस दो सर, मथुरा गंज वाला प्लाजा भरतपुर गेट जी, और मेरा नंबर है 9758674206। दे दिया नंबर तो मेरे भाई यहाँ आधा कोर्स हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं लिया, अभी तो हम ये समझो कि हमने पीसीबी देखने का नजरिया बदला है, अब हमको पीसीबी पे काम करना है, काम करना है, सही में करना है। ये पहला दिन था जो हाँ लगा सबको एक साथ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन नहीं लगता था, लेकिन किसी को कम किसी को ज्यादा, वो डाउट उसके शाम को निकल जाते थे, पर यहाँ पर ये कह रहे हो कि आज पहली दफा ऐसा हुआ कि सब एक ही जगह खड़े थे, अच्छा झुंड बना लिया, एक ही जगह खड़े थे, सब सेकंड भी रहते क्या
जहाँ पे भी हम खड़े थे वहाँ पे सब एक साथ जुड़े हुए थे, जिनसे बात भी नहीं हुई या फिर जो कहीं और भी रहता, मतलब सब एक डिस्कशन, एक मतलब आज के टॉपिक ने सबको एक साथ लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। और बहुत बड़ा रिलीफ मुझे लगता है, इतने दिन बाद आने के बाद एक जो थकान का महसूस हो रहा था लोगों को, आज वो आराम मिला है। अच्छा, और उम्मीद और बढ़ गई है एशिया टेलीकॉम से, तो हमको भी आपसे उम्मीद बढ़ गई है। मुझे बताओ, आपने पावर सीपीयू निकाल के लगाया? बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टार्टिंग में लगा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था ये पहले दिन, मतलब क्या मतलब सीधा शक्तिमान ऐसा, लेकिन नहीं, उसका रीजन बताया गया कि पहले क्या चीज चालू करना नहीं करना ये आप छोड़ दो। हाँ, पर एक बार साइन ऑफ करना चाहूंगा इंस्टीट्यूट के सेम लैंग्वेज के साथ। बैठ जाओ, यहाँ पर कौन है, खाली है यहाँ पर, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इसमें बैठ जाओ, ठीक है? नहीं ठीक है, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। तो भाई थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, एक बार जोरदार तालियां। अब मुझे बताइए ब्लैक पे स्टेट कौन कौन निकालना चाहता है, मुझे बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से ऊपर तक हाथ उठना चाहिए, हाथ उठाने में शर्म नहीं। अब मुझे बताओ उसके बाद ब्लैक फेस में एमएमसी चेंज तक कौन सीखना चाहता है? Yes, और ड्यूएल लेकर कौन करना चाहता है? वेरी गुड, तो एक बार जोरदार ताली फिर से अगले वाले आने वाले दिन के लिए। ये सर की तीन चीजें सुन लो, सर आपको सामने बोल रहे हैं ब्लैक पेस्टेड सब करेंगे, डबल डेकर सब करेंगे, मिमची सब करेंगे, और ब्लैक पेस्टेड को हलवा कर देंगे, सर का बोल रहा हलवा, ये सब याद रखना, याद है ना, भूलना नहीं। सर ने बोला ये तो बाद में ये मत बोलना कि मिलन सर करवाए, वो देव सर देवरत्न अग्रवाल करवा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, और देखते रहिए और भाई मेहनत करते रहो, मेहनत का ही फल है। ये सोचोगे कि बस अच्छा नरम बिस्तर भी मिल जाए और रजाई भी मिल जाए और बस टीचर भी मिल जाए तो ये दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ये पोकेमोन की दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत की दुनिया में आओ और यहाँ बैठो 12-12 घंटे, तो पता चलेगा आपकी जाने के पैरों में कितनी चुभन होती है, जाने के बाद पता चलेगा कि पीठ में क्या होता है, और उसके बाद जाकर एक नॉलेज बनता है, फिर बाकी एक फीडबैक मिलता है कि सर मेरी यहाँ पर लोकल मार्केट में एक आदमी है जो बहुत पैसा कमाता है, एक आदमी है जो सबके मोबाइल बनाता है, कौन है? अरे वो तो एशिया टेलीकॉम का कोई स्टूडेंट है, तो ये पता चलता है। तो यहाँ पर पूरा करने के लिए आप लोग ने इतनी मेहनत की है, लगातार यहाँ बैठे आपने प्रैक्टिकल अटेंड किया, आप लोगों के लिए बस जोरदार तालियां हमारी टीम बजाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप ब्लेसिंग और गुड नाइट सब्बा खेर, और यही बोलना चाहूँगा जय श्री राम, राम नाम, और इसके साथ में एक साथ में सब लोगों के साथ बिल्डिंग हिलाते हुए कहूँगा कि वाकई में क्या ये सोचते हैं कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? वेरी गुड, थैंक यू।